मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आदर्श और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी मैं हूँ फिलहाल तिरुपति और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं तिरुमला। जी हाँ, तिरुमला जाने वाले हैं तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए। भगवान विष्णु यहाँ वेंकटेश्वर अवतार में विराजमान है तिरुमला पर्वत पर। आज हम लोग जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे और कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कितना टाइम लगता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अभी मैं ठीक हूँ रेलवे स्टेशन के ठीक मैं सामने हूँ। यहाँ पे बस स्टैंड है, यहीं से हम लोग बस लेने वाले हैं। ठीक है, बस लेंगे और बस लेके हम लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। बताएंगे कितना चार्ज लगता है बस का और सब कुछ बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ पूरा बने। हम लोग बस स्टैंड अभी आए हैं और यहाँ से हम लोग को टिकट लेना है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ टिकट ले लिया 110 रुपये का। मेरे पीछे आप टिकट काउंटर देख सकते हैं, यहाँ बस अपने पीछे लगी हुई है। आपको ये बस स्टैंड से भी बस ले सकते हैं, नहीं तो आप स्टेशन से ही ले लें, जिसको जहाँ सुविधा है आप वहाँ से बस ले सकते हैं। हमने स्टेशन के पास से ही ले लिया था बस, वहीं पर आपको बस मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर अभी अपना लगेज चेक पॉइंट के लिए रुके हैं। यहाँ पर हम यहाँ लगेज चेक पॉइंट है, यहाँ हमने अपना लगेज स्कैन करवाना होगा। सभी को जो भी अपना सामान लेके आ रहे हैं आपको स्कैन यहाँ पे कराना होगा, उसके बाद ही बस फिर यहाँ से जाएगी। लगभग एक घंटे का बस से सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं तिरुमला। और भाई बस में कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी हो रहा था, तो वहाँ पर आपको अरेंज्ड है पॉलीथीन का व्यवस्था आपको मिल जाएगा, यू कैन यूज़ दिस। और भाई यहाँ पे अब आ गए हैं, यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारा स्टॉल है, तो यहाँ पे कुछ खाना पीना नाश्ता करते हैं क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 8 और उसके बाद फिर मंदिर की तरफ चला जाएगा। सो गाइस, हमने पूरी ऑर्डर किया था, तो पूरी अपना आ चुका है और ये जो प्लेट है ये आपको 50 रुपये का पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हमने नाश्ता कर लिया और नाश्ता भाई बिलो एवरेज था, कुछ खास नहीं था, यहाँ का कुछ भी बढ़िया नहीं है खाने लायक। चलिए जैसा होगा मैं आपको बताऊँगा। मैं अब बात करता हूँ दर्शन के बारे में, तो 3 प्रकार के दर्शन होते हैं। पहला एक ऑनलाइन होता है, जो कि 3 महीने पहले आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ता है, जिसका चार्ज आपको 300 रुपये पे करना पड़ता है। दूसरा सर्व दर्शनम होता है विदाउट टोकन, उसमें भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया। और एक होता है सर्व दर्शनम विद टोकन, तो हमने टोकन ले लिया है तो हम करेंगे सर्व दर्शनम विद टोकन वाला दर्शन और बताएंगे कितना टाइम लगा एक्चुअल में। और यहाँ से पैदल ही जा रहे हैं, बगल में है 500 मीटर पे है, तो पैदल ही जा रहे हैं। वैसे बस के भी फैसिलिटीज है, तो आप फ्री बस के सर्विस है तो आप जा सकते हैं। सर्व दर्शनम विद टोकन का क्या सीन है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको सर्व दर्शनम विद टोकन वाला आपको चाहिए दर्शन करना है, तो आपको रेलवे स्टेशन तिरुपति रेलवे स्टेशन के ठीक आपको सामने विष्णु निवास आपको मिल जाएगा, उसी के कैंपस में रात के 12 बजे से लाइन लगना शुरू होता है और 2 बजे रात में काउंटर खुलता है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपको लेके जाना है, लाइन में लगना है, 2 से 3 घंटा आपको समय देना होगा और उसके बाद आपको वहां से टोकन मिल जाएगा। और उस टोकन में एक आपको लड्डू भी साथ में मिलेगा एज अ प्रसाद के रूप में। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको आगे की जानकारी। ये बेल रहा, यहाँ पे आप स्नान ध्यान कर सकते हैं, यहाँ पे तालाब है, तो आप यहाँ पे अगर नहीं नहा के आए हैं तो आप यहाँ पे नहा सकते हैं। देख लीजिए ये फेंसिंग लगा हुआ है, फेंसिंग से उस तरफ नहीं जा सकते। सो गाइज, मैंने भी कपड़ा अपना उतार दिया है और जा रहे हैं स्नान ध्यान करने, क्योंकि मैं नहा के नहीं आया था। मैंने तय किया था कि यहीं पर आके नहाना है और यहाँ फिर उसके बाद दर्शन करने जाना है। तो पुष्करणी तालाब में स्नान ध्यान करने के बाद हम हो गए हैं तैयार। चलिए दर्शन का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि जो मुझे टोकन मिला था उसमें रिपोर्टिंग का टाइमिंग 4 बजे का है और अभी तो 9 ही बज रहा है सुबह के, देखते हैं। यह है मेन टेम्पल तिरुपति बालाजी मंदिर का, इसी में भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है, आप देख सकते हैं। ये हम लोग को अन्ना प्रसाद आ गया है, चलिए इसे खाते हैं, ख़त्म करते हैं। और भीड़ देख लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए प्रसाद को ग्रहण करते हैं भाई। ये फ्री सर्विस है बस, इस कलर की बस, ऑरेंज कलर की, आपको फ्री सर्विस मिलेगी।
यहाँ पे आने के बाद आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं विदाउट टोकन वाला गेट है, ठीक है। और मैं पुलिस से बात किया हूँ, वो बता रहे थे कि आपको सिक्योरिटी बता रहे थे कि एक इस तरफ से रास्ता है, तो विथ टोकन वाले लोगों के लिए। चलिए देखते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन है। सो गाइस, SSD वाला टोकन से हम लोग को एंट्री मिल गया और बैग कहीं कुछ नहीं रखवाया गया, अभी चेकिंग नहीं हुआ है, शायद आगे जमा होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, टोकन ले लिया है। टोकन का रिपोर्टिंग टाइमिंग 4 बजे शाम का था, लेकिन हमने 1:15 बजे एंट्री किया है। यहाँ पे लगे सेंटर है, यहीं पे लगे जमा करवाना होगा। लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद लगे सेंटर आया। हमने जो डिपॉजिट किया था मोबाइल और बैग, तो मोबाइल मुझे यहाँ से मिला और बैग आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको जो मिलेगा रिसिप्ट, तो उसमें लिखा रहेगा, काउंटर नंबर भी दिया रहेगा और PAC 4, तो यहीं आपको आना है। देख लीजिए, पेड़ के पास है लोकेशन। तो फ्रेंड्स, दर्शन हो गए और 4 घंटे लगे दर्शन करने में विद SSD टोकन के साथ। और अंदर अगर आप लाइन में लगे रहते हैं तो कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि अंदर में आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हर जगह उपलब्ध है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और बैठने का भी सुविधा उपलब्ध है। अंदर में एक जगह हॉल में 1 घंटे के लिए लगभग एक ही जगह बैठे रहे भाई, हम तो वहाँ पर सो गए, लाइन आगे बढ़ ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद खुला, धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अगर विदाउट टोकन है तो सब बोल रहे हैं कि मतलब 10 से 12 घंटे भी लगते हैं, किसी किसी दिन 24 घंटे भी लगते हैं। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा, कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। चलिए, वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। जय हिंद, ओम वेंकटेश्वर नमः।